आपने शेर पढ़ा अभी, मत सहल हमें जानो, ठीक है भाई, सामने का शेर है, क्या आप तहली है, अपनी बढ़ाई बढ़ाई कर रहे हैं, अपने बता रहे हैं, तो उर्दू में, फारसी में, अरबी में, एक हद तक अंग्रेज़ी में, थोड़ा बहुत फ्रेंच में, तो ये रवायत चली ही आ रही है, लोग अपनी बढ़ाई बयान करते हैं, शायर लोग अपने को कहते ही रहते हैं। अच्छा एक मिनट रुक के देखते हैं, मसल हमें जानो कि हम कौन हैं। ये कह रहे कि मीर मुतकल्लिम हैं, तो हम उनके बारे में कह सकते हैं भाई कि मीर अपने बारे में कह रहे हैं, लेकिन कहीं उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं ए मीर तुम मुझको सहल मत जानो, या मीर मैं सहल नहीं हूँ। वो कहते हैं मसल हमें जानो, इसका मतलब है कुछ और भी इसमें है, तो थोड़ा बहुत खुलता है अगले मिसरे में जा करके कि तब खाक के फिरता है फलक बरसों। मतलब एक बात समझ में आ रहा है, आप लोग बुरा मान जाए शायद, देखिए एवोल्यूशन की थियरी इतनी पुरानी हो चुकी है, अब 200 बरस से हुआ चली आ रही है, मीर के ज़माने से चली आ रही है, बाद में बहुत में तमाम कली फुनने लगे, लेकिन असल बात तो यही है ना कि इंसान बनते बनते करोड़ों बरस लग गए। तो अगर हम ये कहें कि फिरता है फलक बरसों से मुराद ये भी है कि बनने में बहुत देर लगती है, आदमी हमारे दो चार हाथ पैर वाले लोग हैं, आँख है, ज़बान है, सोचते हैं, बोलते हैं, महसूस करते हैं, याद रखते हैं और ताल्लुकात बीच में कायम करते हैं कि ये यूँ है, ये यूँ है, तो इंसान को वहाँ उस मंजिल तक पहुँचते बहुत देर लगती है, बहुत बहुत अरसा लग जाता है, आसमान को कई चक्कर लगाने पड़ते हैं तब जाकर कहीं इर्तका की मंजिल वो आती है कि इंसान पैदा हो। तो हमें ज़ाहिर है कि मीर तकी मीर, मोहम्मद तकी मीर, वो हमें है, हमें, हम सब शायर हैं, जितने भी शायर हैं, ये नहीं कि सिर्फ मैं ही एक ऐसा हूँ, बल्कि हमें कह रहा है वो आदमी, तो तमाम लोगों को जमा कर रहा है कि जितने शायर हैं इन सबको देखो, ये कोई आसान नहीं जो आसानी से पैदा हो जाए, और हमें माने अगर इंसान कहा जाए तो भी इंसान का जो इर्तका है, जो उसका एवोल्यूशन है, जो उसका दर्जा बरदर्जा आगे बढ़ा है, खाक से बना, मिट्टी से बना, कीड़े पैदा हुए जैसा दुनिया जानती है, अखवान सफ़ा के उलमा ने ये तमाम बातें पहले लिख रखी थी, जो बाद में लोगों ने उसको दरियाफ़त की कि साहब ज़िंदगी पानी से पैदा हुई, और फिर ये भी कहा कि जो उन्होंने तारीफ ज़िंदगी की, ज़िंदगी तारीफ, उन्होंने ये भी बताया कि ज़िंदगी पहले बहुत ही प्रिमिटिव होती है, बहुत ही जैसे कहना चाहिए कि कम अकल वाली होती है, देख नहीं सकती है, अपना खाना वहीं पैदा करती है, वहीं खाती है, आगे नहीं बढ़ सकती है, धीरे धीरे, तो उसने यहाँ तक लिखा है अफान सफ़ा में कि कीड़ा पहले पैदा हुआ। तो इसलिए ये भी देखना कि वो भी इसमें आ गया है कि ऐसा नहीं है कि आसमान यूं ही किसी इंसानों को इंसान बना दे, मत सहल हमें जानो। अच्छा अब तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते, एक और बात पैदा हो गई कि भाई एक तो वो इंसान जैसे हम तुम हैं कि बेवकूफ़ भी हैं, नालायक भी हैं, गधे भी हैं, भूल जाते हैं, गुस्सा करते हैं, बेवफाई करते हैं, लड़ते बिगड़ते हैं, गंदे काम करते हैं, वो भी इंसान है, और उनके बाद जो उनके औलाद मानवी साहब थे उन्होंने तो कही किया था कि आदमी कोई मुयसर नहीं इंसान होना। तो इंसान माने हुआ कोई चीज़ ऐसी जिसके बारे में उन्होंने बाद में कहा था ना कि मिली है उस शख्स से जो आदम हो गए, यानी जो ऐसा कोई इंसान है, यानी ऐसा इंसान जो जिस पर इंसानियत की कवा का जामा चुस्त बैठता हो, वो इंसान। तो एक तो हुआ कि जब हम खुद मीर जो इंसान है, एक ये हुआ कि शुअरा जो इंसान है, एक ये कि पूरी कायनात में जितने लोग घूम रहे हैं वो इंसान है, और उनसे बढ़ के एक और भी कोई चीज़ होती है जो इंसान होता है, जो इन लोगों से मुंतखब होता है, जो मुंतखब रोज़गार के मुंतखब आलम होता है। तो ये भी इसमें तो गया। अब हम लोग इसको अक्सर व बेशतर इस शेर को यहीं पढ़ते सुनते रहे कि भाई तहली का शेर होना चाहिए, तहली तो आपसे अर्ज़ किया मैंने कि आम बात है, लेकिन इस शख्स की जिस जो आप कहिए उसे शैतानी कहिए कुछ कहिए कि वो इतनी तहली के बाद में भी वो इतनी और बातें निकाल देता है कि जब तक आप उस पर गौर न करें, जो तुमने अच्छा शेर पढ़ा हो कि दीदनी हूँ जो सोच कर देखो, लुस मुझ में भी हैं हज़ारों मीर, दीदनी हूँ जो सोच कर देखो, गुजर गए ठीक है भाई, अब गुजर गए अपने पढ़ा, वाह वाह सुभान अल्लाह कहा, आगे निकल के क्या सफाई, बयान की सफाई भी है, ज़बान बड़ी उमदा इस्तेमाल की है, मुहावरा कितना बरजस्त मिसरा निकाला है, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं। लेकिन अगर सोचे तो मालूम है इसमें और कुछ भी पिन्हा है, और बहुत सारी बातें इसमें ऐसी हैं जो कही गई हैं लेकिन सतह पर नहीं हैं। तो अब उससे एक बात और पैदा होती है भाई साहब के जो बेचारे मीर के बारे में बार बार कहा गया कि सस्ता है, आसान है, सामने का है, बस रखा हुआ उठा कर उठाइए और खा जाइए, हलवा है हजम कर जाइए, ये कोई गालिब थोड़ी है कि साहब लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, मालूम है यहाँ भी लोहे के चने, लेकिन ये कोई चमका करके ऐसा रखा है कि मालूम भी तक लोहे के चना। तो इस तरह गौर कीजिए ना, तो हम लोगों ने जो बेइंसाफ़ी की है मीर के साथ, जैसा कि जिक्र तुमने अभी किया कि शुरू से ये चली आ रही है, लेकिन पिछले 150-200 बरस में ज़्यादा बेइंसाफ़ी हुई,
اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ یہ کہنا آسان تھا کہ صاحب شاعری ایک تو ایسی ہے جس میں کہ جو انسان کو سوچنے پر مجبور کرے, جو انسانی کائنات کے بارے میں بتائے ہمیں, جو ہمیں غور کرنے پر مجبور کرے, جو گہرائی سے جائے اور معاملات کو دیکھے, اور ایک شاعری وہ ہے جو دل سے نکلتی ہے, دل پہ پہنچتی ہے, از دل ریزت خزت و بردل ریزت والا معاملہ ہے. تو میر کو اس جگہ بیٹھا کر کے ہم لوگوں نے چھوڑ دیا, وہاں پر بیٹھے رہو میں آپ کو, اب تم سے بات بات نہیں کرنی ہمیں, کیونکہ بات تو ہمیں غالب سے کرنی ہے, بات ہمیں اگر بہت ہی زیادہ محنت کرنی ہوگی تو سودا کے قصیدے سے بات کر لیں گے, اس قصیدے میں کیا کیا انہوں نے باریکیاں بیان کی, کیا مضامین نکالے ہیں, لیکن میر سے بات تھوڑی کرنی, وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے, ٹھیک ہے دیکھتے رہو, ان کو سلام کرتے رہو, آگے چلے جاؤ. یہ مت دیکھو کہ کچھ اس میں اور بھی شاید رہا ہوگا, کیونکہ ہم کو تو یہ بات معلوم ہی ہو چکی ہے صاحب کہ سہل ممتنا ایک جانور ہوتا ہے, وہ میر کے تمام گھومتا پھرتا ہے. وہ دیکھنے میں آسان لگتا ہے لیکن نکل کر تو مشکل ہوتی ہے, اتنا ہی ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کو بھی تھوڑا غور کر لیں کہ مشکل کیوں لگتی ہے بھائی, ایسا شعر کون بنا سکتا ہے جس میں کوئی لفظ مشکل نہ ہو لیکن شعر مشکل ہو؟ جیسے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ مت سہل ہمیں جانو, پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. کوئی لفظ, کسی لفظ کے لیے ڈکشنری کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو, غالب کہیں تو جگہ جگہ ڈکشنری ڈھونڈنی پڑتی ہے.